महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई सोमवार तक टल गई। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी शिवसेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को कल तक जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने राज्यपाल के आदेश की कॉपी भी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार सुबह 10:30 बजे मामले पर दोबारा सुनवाई शुरू करेगा। सुनवाई के दौरान शिवसेना एनसीपी का पक्ष रख रहे सिब्बल और सिग्वी ने जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग की है। एनसीपी शिवसेना ने राज्यपाल के फडणवीस को सीएम पद की शपथ दिलवाने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। एनसीपी शिवसेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चारों पक्षों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सरकार बनाने से पहले दी गई विधायकों का समर्थन पत्र भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ साफ हो गया है कि नई सरकार के फ्लोर टेस्ट पर सोमवार को ही फैसला आ सकता है। महाराष्ट्र में एनसीपी ने एक बार फिर 51 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। एक तरफ अजीत पवार को मनाने की कोशिश जारी है तो वहीं एनसीपी विधायक दल के नेता जयंत पाटिल 51 विधायकों के हस्ताक्षर की चिट्ठी लेकर राजभवन पहुंचे हैं। जयंत पाटिल ने बताया है कि विधायकों की लिस्ट में अजीत पवार का नाम भी शामिल है, हालांकि उस पर अजीत पवार के हस्ताक्षर नहीं। जयंत पाटिल ने कहा है कि वो अजीत पवार से मुलाकात कर उनको मनाने की कोशिश जारी रखेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार गठन को एक्सीडेंटल शपथ ग्रहण बताया है। संजय राउत ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण नहीं अपराध वाला काम किया है। महाराष्ट्र की जनता को ही पता नहीं चला और शपथ ग्रहण हो गया। शिवसेना नेता ने कहा है कि ये चोरी है जिसे पिक पॉकेटिंग कहा जाता है। वहीं अजीत पवार पर उन्होंने कहा कि अजीत पवार कोई बड़े नेता नहीं, वो शरद पवार की छाया में पले बड़े हैं। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के लोग आपातकाल को काला दिन बोलते हैं, उसे बंद करना चाहिए। अब देश में हर दिन काला दिन हो रहा है। राउत ने यह भी कहा कि राज्यपाल अगर आज हमें बुलाए तो हम पूरे विधायकों के साथ परेड करने को तैयार है। ये बात अमित शाह को भी मालूम है, फिर भी ये चोरी का खेल हो रहा है। महाराष्ट्र में शनिवार को हुए राजनीतिक उलटफेर पर शिवसेना नेता अंश कसा, बीजेपी ने एनसीपी नेता अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बना तो ली, लेकिन अब सरकार गठन के लिए विधायकों का समर्थन हासिल करना बड़ा सवाल बना हुआ है। शरद पवार की सक्रियता के बाद विधायक उन्हीं के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। अजीत पवार के इस फैसले पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि ये बेशर्मी की राजनीति है, शरद पवार के साथ धोखा हुआ है। 12 घंटों के ही भीतर अजीत पवार की 12 बज गए। इस सर्जिकल स्ट्राइक की सुधी महाराष्ट्र लेगी और बीजेपी की जीत नहीं होगी। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर उथल पुथल जारी। इसी बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अजीत पवार अकेले रह जाएंगे। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि एनसीपी के 54 में से 53 विधायक शरद पवार जी के साथ रहेंगे, अजीत पवार अकेले रह जाएंगे। शरद पवार के उत्तराधिकारी की समस्या भी हल हो गई, बधाई सुप्रिया। बता दें कि अजीत पवार और सुप्रिया सुले में से शरद पवार का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात को लेकर शुरू से विवाद रहा है। महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक का ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अजीत पवार का एनसीपी छोड़ बीजेपी का पल्ला पकड़ने का कारण समझे। अमित शाह मोदी के सबसे ताकतवर हथियार ईडी, सीबीआई, आईटी, बीजेपी पारस पत्थर है, उसे छूने से भ्रष्ट भी ईमानदार हो जाता है। दूसरे ट्वीट में लिखा कि महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर मोहन भागवत जी की कोई टिप्पणी नहीं आई। देश उनसे जानना चाहता है कि जिन अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस ने जेल भेजने का जनता से वादा किया था, अब उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया, क्या ये अनैतिक नहीं? क्या इसी रास्ते से संघ राष्ट्र निर्माण करना चाहता है? महाराष्ट्र की राजनीति में नाच के मोड़ के लिए शिवसेना को जिम्मेदार ठहराते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से एनडीए के खेमे में शामिल होने का अनुरोध किया और संकेत दिया कि ऐसा करने से उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण पद का पुरस्कार मिल सकता है। उन्होंने कहा कि पवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अपने बागी भतीजे अजीत पवार का भी समर्थन करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 59वें मन की बात में अयोध्या फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसे लेकर देशवासियों की प्रतिक्रिया को पर बात की और उन्होंने इस बात की सराहना की कि फैसले के बाद कैसे देशवासियों ने देश हित को सबसे ऊपर रखते हुए शांति बनाए रखी और एकता का संदेश दिया। पीएम ने मन की बात में एनसीसी दिवस, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर भी बात कही।
एनसीसी कैडेट्स से बात करने के दौरान नरेंद्र मोदी ने उन्हें एनसीसी डे की बधाई दी और उनके सवालों का भी जवाब दिया। नागालैंड के विनोले किसो ने पीएम से सवाल किया कि क्या उन्हें कभी एनसीसी में सजा मिली थी। इस पर प्रधानमंत्री ने हंसते हुए जवाब दिया कि उन्हें कभी सजा नहीं मिली। हालांकि उन्होंने एक घटना का जरूर जिक्र किया और बताया कि एक बार वो पेड़ पर चढ़ गए थे, जिसके बाद उन्हें लगा था कि उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन जब बाकी लोगों को पता चला कि वो मांझे में फंसे एक पक्षी को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़े थे तो उन्हें सजा मिलने की जगह तारीफ मिली। उत्तर प्रदेश में भविष्य निधि घोटाला मामले में यूपीपीसीएल कर्मचारियों के फंसे पैसों को लौटाने का सरकार ने लिखित वादा किया है। प्रमुख ऊर्जा सचिव अरविंद कुमार ने भरोसा दिलाया है कि अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत डीएचएफएल से पैसा वापस नहीं मिलता है तो सरकार का पावर कॉरपोरेशन कर्मचारियों के पीएफ के पैसों का भुगतान करेगी। साथ ही ये भी कहा है कि अगर पावर कॉरपोरेशन के पास पैसे की कमी होगी तो सरकार की तरफ से ट्रस्ट को लोन दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों का पैसा वापस किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में 300 पुलिस उप निरीक्षकों को पासिंग आउट परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में यूपी के डीजीपी ओपी सिंह भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि 299 प्रशिक्षित उप निरीक्षकों को बधाई। अपराध मुक्त समाज बनाना है, उसमें आप सबको योगदान देना है। यूपी पुलिस का गौरवशाली इतिहास रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखना चुनौती है। यूपी पुलिस का प्रदेश में शांति बनाए रखने में योगदान रहा। यूपी के बिजनौर में एक स्कूल कार्यक्रम में पहुंचे सपा नेता आजम खान ने कहा है कि पुलिस के अनुसार मैं वो आदमी हूं जिसने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए किताबों की चोरी की, बकरियों को चुराया और मुर्गियां चोरी करके बेची, और मेरी 70 साल की बहन को पुलिस जीप में डाल कर ले गए और उससे तरह तरह के सवाल किए। मुझे अपना जुर्म मालूम है कि शिक्षा के लिए काम करने वालों का यही अंजाम होता है, लेकिन मेरे खिलाफ 144 मुकदमे इसलिए दर्ज है कि मेरा नाम आजम खान है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों आपके सामने 144 मुकदमों का मुलजिम खड़ा है। बच्चों आप ये दुआ करना कि ये आजम जैसे जिया है ऐसे ही मरे। इटावा सफारी पार्क देखने का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। आज से इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। प्रदेश सरकार के वन मंत्री दारा सिंह चौहान इटावा सफारी पार्क को पर्यटकों के लिए खोलेंगे। वहीं इटावा सफारी के लोकार्पण कार्यक्रम का न्योता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को भी भेजा गया। इटावा सफारी पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जून 2018 को किया था। उद्घाटन के बाद से ही इसे पर्यटकों के लिए खोले जाने के प्रयास होते रहे, लेकिन किसी न किसी कारण खुल नहीं सके। अब ये इंतजार खत्म हो गया। गोंडा में भीकमपुरवा स्कूल की 3 बच्चियां इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने जा रही हैं। बताया जा रहा है कि पढ़ाई लिखाई के मामले में आगे रहने वाला प्राथमिक विद्यालय भीकमपुरवा में कक्षा 5 पढ़ने वाली 10 साल की सुप्रिया वर्मा ने कठिन आसन मयूरासन को सर्वाधिक 4 मिनट 5 सेकंड तक किया। वही क्लास 5 में पढ़ने वाली 11 साल की काजल ने कुक्कुटासन को सबसे अधिक समय 14 मिनट 12 सेकंड तक किया। इसके अलावा सिर्फ 4 साल की बबली एशिया महाद्वीप के देश और राजधानी का नाम सहित भारत के राज्य और उनकी राजधानियों के नाम सबसे कम समय 2 मिनट 8 सेकंड में सुना रही है। तीनों बच्चियां सुप्रिया, काजल और बबली का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करने के लिए आवेदन किया गया था, जिसके बाद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम ने भेजे गए सभी दावों की जांच करते हुए बच्चियों की प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए नियमानुसार नाम दर्ज करने की सूचना दी है। वहीं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम दिसंबर महीने के दूसरे सप्ताह में गोंडा आकर तीनों बच्चों को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित करेगी। यूपी के कासगंज में प्रतिष्ठित लकड़ी व्यापारी के घर में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे व्यापारी के घर में रखा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों और दमकल विभाग ने मिलकर किसी तरह आग पर काबू पाया। हरिद्वार के ज्वालापुर के पास गंगा नहर में दर्दनाक हादसा हो गया। गंगा नहर में ट्रैक्टर गिर गया, जिससे 2 युवक डूब गए। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर में 2 युवक सवार थे। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों युवकों को ढूंढने का सर्च अभियान चलाया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में मौके पर लोग भी इकट्ठा हो गए। गंगा में डूबे युवकों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के हाथरस में चलती हुई बाइक आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि चलते चलते अचानक बाइक का गोला बन गया। बाइक सवार आदमी ने बाइक से कूदकर किसी तरह जान बचाई। देखते ही देखते भीषण आग से बाइक जलकर हाक हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। हाथरस के भुजड़ी गांव की घटना है।
यूपी में बस्ती के जिला अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक जिला अस्पताल की कर्मचारी रिश्वत लेते हुए नजर आ रही है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से महिला कर्मचारी एक शख्स से रिश्वत लेते हुए नजर आ रही है। बागपत में हरियाणा के किसानों की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें करीब एक दर्जन ट्रैक्टर लेकर हरियाणा के किसान बागपत के किसानों की गेहूं की फसल तबाह कर रहे हैं। खेत की जुताई की जा रही है। दरअसल ये वीडियो बागपत जिले की खेकड़ा तहसील क्षेत्र के नगला बहलोलपुर यमुना खादर का है, जहां 25 साल से बागपत के किसान खेती कर रहे हैं, लेकिन सीमा विवाद के चलते कई बार ये दबंग बागपत के किसानों की फसल तबाह कर चुके हैं। हालांकि बागपत के किसानों के मुताबिक जिस जमीन पर वो खेती कर रहे हैं उस पर उनका हक, और वो कोर्ट से भी केस को जीत चुके हैं, लेकिन हरियाणा के अधिकारी किसानों से मिलीभगत कर उनकी फसल को उजाड़ रहे हैं। वहीं बागपत के अधिकारी हरियाणा के अधिकारियों से संपर्क कर जांच की बात कह रहे हैं। यूपी के गोंडा में युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वजीरगंज के टिकरी जंगल में 3 युवकों की जमकर पिटाई हुई है। डंडों से पीट पीट कर युवकों को लहूलुहान कर दिया। सोशल मीडिया पर पिटाई का यह वीडियो वायरल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 2 दिनों से बर्फबारी जारी है। बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है, जिसका असर निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है। यहां के लाहौल में जमकर बर्फबारी हुई, जिससे यहां का नजारा ही बदल गया। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई में एक कार्यक्रम में बैंकों को एक नसीहत दी और कहा कि उन्हें कारोबार का विस्तार करने से पहले अपनी ताकत और कमजोरी का बेहतर आकलन करना चाहिए। अगर बैंकों को यह अंदाजा हो जाए कि वो कितने मजबूत हैं और उस हिसाब से अपना धीरे धीरे विस्तार करेंगे तो विकास निश्चित है। वो तमिलनाडु में स्थापित सिटी यूनियन बैंक के 116वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। आज पेट्रोल और डीजल के नए रेट्स जारी कर दिए गए हैं। ऑल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। हालांकि डीजल के दाम में राहत मिली। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने दिल्ली में पेट्रोल के दाम 10 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं, लेकिन डीजल के भाव में 6 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन ने सलाह दी है कि बैंकों को बैड लोन फ्रॉड और इन सबसे होने वाले नुकसान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देनी चाहिए। NS विश्वनाथन का कहना है कि अगर बैंक इनका खुलासा समय पर नहीं करते हैं तो रिस्क लेने की क्षमता घटेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा बताया कि वैश्विक स्तर पर बैंकों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर नए नियम लागू किए जा रहे हैं। सेबी आईटी पर अगले 5 साल में 500 करोड़ रुपए खर्च करेगा। हाल ही में सेबी चेयरमैन अजय त्यागी ने जानकारी दी है। इस बयान में अजय त्यागी ने कहा कि सेबी न सिर्फ प्रतिभूति बाजार में तकनीकी नवोन्मेष को बढ़ावा देता है, बल्कि ये अपनी कार्यप्रणाली में भी नियमित तौर पर तकनीक को उन्नत करता रहता है। सेबी की योजना अगले 5 साल में आईटी पर 500 करोड़ रुपए खर्च करने की है। टाटा ट्रस्ट से जुड़े संगठन ने किसानों के लिए एक खास पहल की है। उसके तहत झारखंड के 40,000 से ज्यादा किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। दरअसल ट्रस्ट के संगठन कलेक्टिव फॉर इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड इनिशिएटिव ने कृषि तकनीक को स्मार्ट बनाने के लिए एक स्टार्टअप कॉर्पोरेशन से समझौता किया है, और इस समझौते की खास बात यह है कि गरीबी उन्मूलन के साथ महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया है। इस साल दिसंबर में HMD ग्लोबल के स्वामित्व वाला नोकिया एक नया फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इसे लेकर जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। पोस्ट किए गए ट्वीट के मुताबिक नए फोन के लिए इवेंट 5 दिसंबर को रखा जाएगा। ट्वीट में नोकिया ने कहा है कि फैमिली में 5 दिसंबर को एक नया एडिशन किया जाएगा। फिलहाल कंपनी ने अपकमिंग डिवाइस का नाम नहीं बताया है। BSNL ने हाल ही में कई नए प्रीपेड प्लान पेश किए हैं। ये प्लान लंबी वैलिडिटी के साथ आते हैं। बात करें 998 रुपए के प्लान की, तो इसमें उन ग्राहकों के बहुत काम आएगा जो लंबी वैलिडिटी चाहते हैं। 998 रुपए के इस प्लान में ग्राहकों को 7 महीने की वैलिडिटी दी जा रही है। ये प्लान पूरे देश भर में लागू किया गया है। संकट और कानूनी पेच में फंसे होम लोन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल RBI ने DHFL मामले को औपचारिक रूप से दिवाला कार्रवाई के लिए भेजने से पहले 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है।
सरकार को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी कि एजीआर पेमेंट मामले में देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, टाटा टेलीवर्सेस ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है और इस याचिका में टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट के 24 अक्टूबर के अपने पिछले फैसले पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाई। दरअसल 24 अक्टूबर को एजीआर पेमेंट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग को जायज ठहराया था। ब्रिटिश ब्रांड ट्रिम्प भारत में 5 दिसंबर को अपनी पावरफुल बाइक नई रॉकेट 3 को प्रदर्शित करेगा। नई ट्रिम्प रॉकेट 3 को कुछ महीने पहले इंटरनेशनल मार्केट में पेश किया गया था। 5 दिसंबर को पहली बार ये बाइक भारत में शोकेस की जाएगी। इस मोटरसाइकिल को भारत में ट्रिम्प की 6वीं एनिवर्सरी के मौके पर प्रदर्शित किया जा रहा है। पाकिस्तान में टमाटर के आसमान छूती कीमतों को लेकर मध्य प्रदेश के झाबुआ के किसानों ने वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान को एक खास ऑफर दिया है। झाबुआ के किसानों ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को पैगाम भेजकर कहा है कि पीएम इमरान खान पीओके दो और हमारे टमाटर लो। इतना ही नहीं, किसानों ने पाकिस्तान से साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के लिए भी माफी मांगने की मांग की है। भारतीय मूल के ब्रिटिश इतिहासकार और लेखक बॉबी सिंह बंसल ने दावा किया है कि सिखों के 90% धरोहर स्थल पाकिस्तान में स्थित हैं, जिनमें से ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हैं। इसके साथ ही उन्होंने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के महत्व को भी रेखांकित किया है। पाकिस्तान में हर 9 महिलाओं में से एक स्तन कैंसर से पीड़ित है और इस बीमारी से मौत की दर दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से के मुकाबले पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। इन मौतों के पीछे प्रमुख कारण है इस बीमारी के प्रति जागरूकता, जांच और इलाज के लिए सुविधाओं की भारी कमी। ये खुलासा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में फेडरल ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग की प्रभारी आयशा ईसानी मजीद ने किया है। पिछले दिनों हांगकांग में हुए विद्रोह को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर वो ना कहते तो चीनी सेना हांगकांग को सिर्फ 14 मिनट में नेस्तनाबूद कर देते। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अगर वो ना कहते तो चीनी सेना 14 मिनट में हांगकांग को नामो निशान मिटा देते। ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनके कहने पर ही हांगकांग में चल रहे लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सेना नहीं भेजी। अगर जिनपिंग सेना भेज देते तो हांगकांग को निस्तनाबूद होने से सिर्फ 14 मिनट का समय लगता। पश्चिमी केन्या में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 34 लोगों की मौत हो गई है। केन्या के गृहमंत्री फ्रेड मातियागी के मुताबिक पोकोट सेंट्रल जिले के करीब तकमाल इलाके में हुए भूस्खलन की वजह से 17 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दक्षिणी पोकोट में परुआ और तपाच गांव में भूस्खलन की वजह से 12 लोग मारे गए। पश्चिमी पोकोट काउंटी के कमिश्नर ओकेलो के मुताबिक 2 नदियों में बाढ़ आ गई थी जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। किटाले और लोडवार के बीच एक कार भी बाढ़ की चपेट में आ गई जिसके बाद 5 अन्य लोगों की भी मौत हो गई। बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में खेले जा रहे डे नाइट टेस्ट मैच में कप्तान कोहली ने 32 रन बनाते ही टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान अपने 5000 रन पूरे कर लिए। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। कप्तान के तौर पर विराट कोहली ने सबसे तेज 5000 टेस्ट रन पूरे कर लिए हैं। भारतीय चयन समिति ने अगले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से पहले ऋषभ पंत को रिलीज कर दिया है ताकि वो घरेलू क्रिकेट के कुछ मुकाबले खेल सके। वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 दिसंबर को टी20 सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। विजेंद्र सिंह प्रो बॉक्सिंग में अजय बने हुए हैं। कल देर रात हुई फाइट में 2 बार के पूर्व कॉमनवेल्थ सुपर मिडल वेट चैंपियन घाना के चार्ल्स एदामू को मार दी है। इसके साथ ही प्रोफेशनल बॉक्सिंग करियर में उनकी जीत का सिलसिला जारी है। विजेंद्र ने लगातार 12वीं फाइट में जीत दर्ज की। पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री और मौजूदा बीजेपी सांसद राजवर्धन सिंह राठौड़ के बेटे और राजस्थान के युवा निशानेबाज मानवादित्य सिंह राठौड़ ने शॉटगन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने कहा है कि देश के लिए खेलने के दौरान उन्होंने कभी भी मैच की जगह के बारे में नहीं सोचा। ये बात उन्होंने तब कही जब उनके ज्यादातर साथियों ने डेविस कप मुकाबले के लिए इस्लामाबाद जाने से मना कर दिया था।
इमरान हाशमी अपनी अपकमिंग फिल्म चेहरे की शूटिंग में व्यस्त है। फिल्म की शूटिंग का एक फेज दिल्ली में भी शूट है और इससे पहले ही इमरान हाशमी ने दिल्ली के प्रदूषण का जिक्र कर दिया। इमरान ने कहा कि उन्हें दिल्ली में एक गैस मास्क की जरूरत है। और फिल्म बाला ने 100 करोड़ की कमाई की है। फिल्म की सफलता से खुश आयुष्मान ने कहा कि मेरे लिए ये बेहद खास फिल्म है क्योंकि ये सेल्फ लव के महत्वपूर्ण मैसेज पर फोकस करती है। दर्शकों ने इस फिल्म को लेकर जैसी प्रतिक्रिया दी है उससे मैं काफी प्रभावित हूँ। अर्जुन कपूर का कहना है कि उनके दोस्त रणवीर सिंह उनकी आने वाली पीरियड फिल्म पानीपत का ट्रेलर देखकर काफी खुश हैं। जब से पानीपत का ट्रेलर रिलीज हुआ है कई लोगों ने रणवीर की साल 2015 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म बाजीराव मस्तानी के किरदार की लुक से इस फिल्म की लुक की तुलना की है। पानीपत में अर्जुन मराठा योद्धा सदाशिव राव भाव का किरदार निभा रहे हैं। मल्टी स्टारर फिल्म होने के बावजूद भी पागलपंती सिनेमाघरों में पहले दिन कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। दर्शकों को लुभाने में भी ये फिल्म असफल रही। हालांकि दूसरे दिन फिल्म की कमाई में उछाल देखा गया। boxofficeindia.com के मुताबिक फिल्म पागलपंती ने दूसरे दिन यानी कि शनिवार को 25% का ही कलेक्शन किया। फिल्म ने दूसरे दिन 6.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद कंगना रनौत स्टार और फिल्म थलाइवा का फर्स्ट लुक टीजर और पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। यह फिल्म तमिलनाडु की दिवंगत पूर्व सीएम जयललिता की जिंदगी पर आधारित है जिसमें कंगना जयललिता के किरदार को निभाती हुई नजर आएंगी। इस टाइम सोशल मीडिया पर कंगना का थलाइवा छाया हुआ है। सनी एक बार फिर रागनी सीरीज में दिखाई देने वाली हैं। इससे जुड़ा एक वीडियो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने पोस्ट किया है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट इस वीडियो के कैप्शन में सनी ने लिखा है कि सनी के बिना #RagniMMSReturn हो ही नहीं सकता। वहीं इस वीडियो में सनी लियोनी कह रही हैं कि सो मच चमक सो मच धमक, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब इस चमक में थोड़ा सा नमक होगा। साथ ही सनी ने कहा है कि चमक का मजा डबल करने के लिए मैं आ रही हूँ। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म दबंग 3 अब जल्द ही रिलीज होने वाली है। दबंग 3 का नया सॉन्ग यूं करके रिलीज हो गया है। सलमान खान का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो स्पेशल बच्चों के साथ अपने सॉन्ग यूं करके पर डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में सोनाक्षी सिन्हा और प्रभुदेवा भी बच्चों के साथ झूमते हुए नजर आए।